आज मैं आपको बताता हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग में जो लोग विफल होते हैं उनके पीछे का सबसे बड़ा कारण क्या है, छोटे समय का रवैया। हाँ, मैं कह रहा हूं कि आपकी असफलता का सबसे बड़ा कारण छोटे समय का रवैया है। नेटवर्क मार्केटिंग में आप आए थे, 2 से 3 महीने 4 महीने के अंदर सफलता पाना चाह रहे थे, ऑडी जैगवार पाना चाह रहे थे, लग्जरी कार, लग्जरी घर, विदेश की यात्रा, अच्छी सेहत, मान सम्मान, सब कुछ 3 से 4 महीने में आप हलोरना चाहते थे। लेकिन आप क्या थे? आप डबल माइंडेड थे, आप सिंगल माइंडेड नहीं थे। मन मोर अंते चिते भुसौली के तर्ज पे ही बात कर रहा हूं जनाबे आली, ध्यान से सुनिएगा। जब आप नेटवर्क मार्केटिंग में आए थे तो आप डबल डबल सीढ़ी पर पैर रखे थे। जब आप नेटवर्क मार्केटिंग में आए थे तो आप डबल नाव पे पैर रखे थे। जब आप नेटवर्क मार्केटिंग में आए थे तब आप 2 दिमाग लगा रहे थे, एक बगली से भी हल ओढ़ लें, एक इधर से भी हल ओढ़ लें। मतलब आप चाह रहे थे कि आप नौकरी भी पा जाओ और आप यहाँ नेटवर्क मार्केटिंग में भी सफल हो जाओ। और आपको पता है आप दोनों जगह असफल रहे साहब। पता है क्यों? क्योंकि आपका बिलीव, आपका विश्वास, आपका मन, आपकी ये चेतना आप पर नहीं थी कंट्रोल में। इसी वजह से आपका ये जो मन है कहीं और था, बॉडी कहीं और थी। जब जब आप मीटिंग सेमिनार में बैठते थे अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करते थे, अपने डाउनलाइन को, अपने प्रोस्पेक्ट को लेके जाते थे, उससे ताली बजवाते थे और खुद बैठकर मदमस्त होकर के दिमाग कहीं जा रहा है कि SSC का फॉर्म भरना है, GD का फॉर्म भरना है, फलाना का फॉर्म भरना है, ढिमका का फॉर्म भरना है, तब आपका दिमाग कहीं और लग रहा था। आपको लग रहा था कि 2-3-4 महीने के अंदर मैं जल्दी से कुछ ना कुछ करके यहाँ से UCD या फिर कुछ बड़ा लेवल ले लूँगा और आराम से मैं भी बन जाऊँगा एक बड़ा स्पीकर, एक बड़ा ट्रेनर, एक बड़ा बिजनेसमैन, एक बड़ा एंटरप्रेन्योर बन जाऊँगा। हाउ इज़ पॉसिबल माई डियर फ्रेंड्स? कैसे पॉसिबल है भाई? जब आप नेटवर्क मार्केटिंग में आए थे तब तो आपका बिलीव नहीं था, तब तो आपकी चेतना कहीं और भाग रही थी। जब नेटवर्क मार्केटिंग में आप आए थे तो मीटिंग सेमिनार आपको अच्छी लगती नहीं थी, कड़वी लगती थी, बैठे तो रहते थे लेकिन दिमाग कहीं और चलता था। यही वजह है। और आप छोटे समय के रवैया को लेकर के आते हो, छोटे समय का रवैया लेके आते हो साहब आप। इसी वजह से असफलता आपके कदम चूमती है बार बार। किसी भी फील्ड में आप जाओगे, जब तक आपका गोल सेट नहीं होगा, जब तक आपका विजन क्लियर नहीं होगा, जब तक आपका मिशन क्लियर नहीं होगा, जब तक आपका माइंडसेट क्लियर नहीं होगा, तब तक आप सफलता के बारे में सोचना भी मत। नहीं भाई, जब आप नेटवर्क मार्केटिंग में आए थे तो मैं देखता था कि मीटिंग सेमिनार वर्कशॉप ट्रेनिंग में आप बैठते तो थे लेकिन आपका दिमाग कहीं और विचरण करता था, आप कुछ और सोचते रहते थे, आप इन्वॉल्व नहीं होते थे। जब आप सिस्टम के बारे में बताते थे तो कॉन्फिडेंट का अभाव दिखता था। जब आप अपने लोगों को प्लान देते थे, होम मीटिंग करते थे, लोगों के यहाँ जाते थे, तब आप में वो सारे डाउट्स दिखते थे, झलकते थे चेहरे से, आपकी वॉइस में क्लैरिटी नहीं थी। छोटे समय का रवैया हमारी ज़िंदगी में ना जाने कितने असफलताओं को ला सकता है। किसी एक फील्ड का ही मास्टर बन पाओगे और किसी एक फील्ड के मास्टर बनने के लिए पूरी ज़िंदगी दांव पे लगानी पड़ेगी। मैं फिर से कहता हूँ, मास्टर किसी एक फील्ड के ही बन पाओगे और उस फील्ड का मास्टर बनने के लिए पूरी ज़िंदगी दांव पे लगानी पड़ेगी। लेकिन आप 3 से 4 महीने में बरगला जाते हो, 3 से 4 महीने में टूट जाते हो, 3 से 4 महीने में कांच की तरह टूटकर बिखर जाते हो और 3 ही 4 महीने में आप सपनों में बंद आंखों से अमीर, करोड़पति, अरबपति बन जाते हो खुली आंखों।